हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ तनु। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या 360। आज का हमारा वीडियो है आरपीएससी प्राध्यापक विद्यालय भर्ती 2020 से रिलेटेड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाकर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सभी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। पढ़ते हैं आज के हमारे वीडियो की तरफ। जैसा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर निशुद्धि पत्र संख्या 20/2019-20 जारी किया है, जिसमें कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए प्राध्यापक विद्यालय के विभिन्न 6 विषयों के लिए 134 पद जो हैं विज्ञापित किए गए थे। तत्पश्चात उक्त पदों के संबंध में शुद्धि पत्र संख्या 2/2018-19 जो है दिनांक 6 अप्रैल 2018 को जारी किया गया था और 04/2018-19 एडवर्टाइजमेंट जो है दिनांक 4 मई 2018 को विज्ञापित किया गया था और 5/2018-19 एडवर्टाइजमेंट जो है डिपार्टमेंट ने 15 मई 2018 को इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर डिक्लेयर किया था और शुद्धि पत्र संख्या 7/2018-19 डिपार्टमेंट ने दिनांक 22 मई 2018 को जारी किया था। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 13 फरवरी 2019 द्वारा अति पिछड़ा वर्ग को 5% आरक्षण, अधिसूचना दिनांक 19 फरवरी 2019 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण व अधिसूचना दिनांक 23 जनवरी 2019 द्वारा विशेष योग्यजन को 4% आरक्षण दिए जाने के क्रम में क्रमिक विभाग के पत्र दिनांक 23 जून 2019 द्वारा प्रदत्त निर्देशों एवं विभाग द्वारा पदों की संख्या में वृद्धि किए जाने के फलस्वरूप डिपार्टमेंट ने प्राध्यापक विद्यालय के 264 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन पुनः आमंत्रित किए हैं तथा इस संबंध में निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है, जिसमें कि विभाग से प्राप्त विषयवार पदों की संख्या व नवीनतम वर्गवार वर्गीकरण निम्नानुसार है। डिपार्टमेंट ने हिंदी विषय के लिए कुल 46 पद निकाले हैं, अंग्रेजी विषय के लिए 48 पद हैं, व्याकरण के लिए कुल 52 पद, सामान्य व्याकरण के लिए कुल 58 पद हैं और साहित्य के लिए कुल 56 पद हैं, इतिहास के लिए कुल 4 पद हैं। कुल मिलाकर डिपार्टमेंट ने 264 पद प्राध्यापक विद्यालय की पोस्ट के लिए निकाले हैं। उक्त पदों हेतु अभ्यर्थी आयोग के ऑनलाइन पोर्टल जो कि rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है के लिए अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक करें या फिर SSO पोर्टल पर जाकर यानी कि sso.rajasthan.gov.in से लॉगिन करके सिटीज़न ऐप्स G2C में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर आप सभी दिनांक 13 जनवरी 2020 से दिनांक 27/1/2020 को रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके पश्चात लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। कैंडिडेट जो भी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वे सभी 27 जनवरी 2020 तक रात्रि 12 बजे तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधित सूचना के बारे में देखा जाए तो आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने के पश्चात आवेदक को SMS के जरिए सूचना भेज दी जाएगी, जिसमें विसंगति होने पर अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के भीतर त्रुटि संबंधी संशोधन कर सकता है। इसी तरह प्रथम चरण की परीक्षा समाप्त होने के पश्चात आवेदक को ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन हेतु 10 दिन का एक अतिरिक्त अवसर दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत विषय पद, नाम, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर परीक्षा केंद्र के अलावा अन्य संशोधन कर सकता है। इस संबंध में अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध इंस्ट्रक्शंस फॉर एप्लीकेंट्स का अवलोकन कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में आवेदन किया था परंतु अब अधिसूचना दिनांक 19 फरवरी 2019 के आधार पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS कैटेगरी के तहत आरक्षण हेतु पात्र हैं, वे अभ्यर्थी अपनी श्रेणी के संबंध में ऑनलाइन आवेदन में संशोधन आवश्यक रूप से कर ले हुए उनके लिए ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की सुविधा दिनांक 7 फरवरी 2020 से 16 फरवरी 2020 तक
निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। उक्त पदों की शैक्षणिक योग्यता व अन्य शर्तें पूर्व में जारी विज्ञापन व श्रुति पत्रों के अनुसार यथावत रहेगी। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।